मदन जी, एसएलपी आपने दायर की, उस पर सुनवाई शुरू हुई थी, क्या कुछ रहा, क्योंकि कल के लिए सुनवाई को टाला गया है? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है जी, और हमारे विद्वान वकील श्रीमान सालवे साहब उसकी बहस कर रहे हैं जी, अभी चली रही है सुनवाई जी। लेकिन मदन जी, अभी जानकारी जो मिली कि सुनवाई कल के लिए टाला गया है, क्या वो गलत है? अब जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो सही करता है जी, जो भी किया और सोच समझ के टाला होगा जी। इसे लेकर आप तक अभी जानकारी नहीं मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को कल के लिए टाला गया है, क्योंकि दोनों याचिकाओं पर कल ही सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं, मेरे को जानकारी मिल गई, क्योंकि मैं अभी टीवी के सामने बैठा हुआ हूँ, अभी मेरी टीवी के माध्यम से मिल जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कंफर्म कर दें मदन जी कि कल के लिए सुनवाई को टाला गया है, क्योंकि दो याचिकाएं हैं, दोनों पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हाई कोर्ट से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट आप पहुंचे हैं, इस मामले को लेकर दो मांगे हैं आपकी? पूरी आशा है कि जो हमारी प्रेयर है जी, कि जो विधानसभा अध्यक्ष का जो ऑर्डर था वो निरस्त हो, और जो जो ये बसपा के 6 विधायक हैं इनको मतदान करने का पर स्टे हो, यानी ये मतदान करने के अधिकार इनको ना हो तब तक। बिल्कुल, ये दो अहम मांगे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपकी आपके पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि बेहद अहम है, 14 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होगा, फ्लोर टेस्ट पे जाना। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है जी कि वो हमेशा न्याय करता है, इसमें भी न्याय करेगा। ठीक है मदन दिलावर जी, क्योंकि शुरुआती दौर से आप ही हैं जो इस बात को लेकर सामने आए, आपने हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लगातार मामला, अब इसे लेकर एसएलपी भी दायर की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि दल बदल कानून या जो पक्ष जो तर्क उस तरफ से दिया जा रहा है वो गलत ही साबित होगा? आप नियम के साथ हैं, कानून के साथ, और इसलिए जो आपने दायर की है इसलिए फेवर में आपके आएगा फैसला, उम्मीद क्या? फेवर में आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी खंड खंड शामिल नहीं होती किसी पार्टी में। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्टेट इकाई जो राजस्थान है उसको कांग्रेस में शामिल किया है एमएलए सहित, जो गलत है। तो बसपा की राष्ट्रीय सुप्रीमो जो है मायावती जी, वो भी इस बात को कह रही है कि हमारी तो कोई सहमति नहीं है, कैसे शामिल हो सकते हैं? इसलिए नियम कानून सब ये कह रहे हैं कि गलत हुआ है, अवैधानिक है, और जब अवैधानिक है संवैधानिक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकार करेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मदन दिलावर जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए, और आश्वस्त हैं, उम्मीद इन्हें है इनके फेवर में फैसला आएगा, दो ही अहम मामले, ताकि एक जो वोट कास्ट करना है वो अधिकार पर स्टे लगे, ये वोट कास्ट ना कर सके 6 विधायक, ये इनका कहना है, और यही मांग, इसी मांग को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, और जिस तरह से मदन दिलावर जी ने भी बात कही, और बता दें आपको 3 से 4 मिनट हमारे सहयोगी निजाम लगातार हमारे साथ बने हुए। निजाम, हालांकि मदन दिलावर जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कल के लिए फैसला सुनवाई को टाला गया है, लेकिन उम्मीद जरूर उन्हें है कि क्योंकि वो नियम कानून के तहत ही कर रहे हैं और इसलिए जो किया गया वो गलत है, इसलिए इनके पक्ष में फेवर में ही फैसला यहां पर आएगा कल। चलिए दोबारा निजाम से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में पहले यह मामला दाखिल किया गया था, यह वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने बात रखी है, वहां राहत नहीं मिली थी, उन्होंने ये कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया, विधायक मदन दिलावर की तरफ से पक्ष रख रहे वकील हरीश सालवे ने सुप्रीम कोर्ट से अहम बात कही, कल 6 बसपा विधायकों की ट्रांसफर याचिका के साथ सुनवाई करेगा, विधायक मदन दिलावर की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा कल, दो याचिकाएं हैं जिससे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी, और इसलिए कुछ मिनट ही यहां पर सुनवाई चली जिसके बाद कल के लिए इस सुनवाई को टाला गया है। एक तो इन विधायकों की अयोग्यता को लेकर याचिका है जो कांग्रेस में विलय हुई है, इस विलय को असंवैधानिक बताया जा रहा है, और इसी को लेकर एसएलपी दायर की है विधायक मदन दिलावर ने। और चलिए एक बार फिर से सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, जैसा कि आपने जानकारी दी, और ये मदन दिलावर को नहीं पता था कि ये कल के लिए टल गए, उनको उन्हें सिर्फ यही जानकारी थी कि आज अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन अब जिस तरह से आपने बताया कि कुछ मिनट सुनवाई चली और उसके बाद कल के लिए टाला गया, कल दो याचिकाएं जिन पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, निजाम ये जानकारी मिली, विस्तार से जानना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो सबसे पहले जो हरीश सालवे हैं उनकी ओर से कानूनी जो मामला है वो उठाया गया, और उन्होंने कहा कि क्योंकि इस मामले से ही जुड़ी 6 ट्रांसफर पिटीशन याचिकाएं भी पेश की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और उनमें भी कानूनी मुद्दों को उठाया गया है, तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्यों नहीं उनको कल ही दोनों जो याचिकाएं हैं उन दोनों को ही मिला के कल ही सुन लिया जाए, और उसके बाद जो है
आज की सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी, करीब दो तीन से चार मिनट की ये सुनवाई रही और उसके बाद कोर्ट ने जो है कल तक इस मामले को टाल दिया है फिलहाल। बिल्कुल, और निजाम जिस तरह से कहा जाता है कि प्रायोरिटी पे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ले, क्या नजर आता है कि यही वजह है कि आज भी सुनवाई हुई लेकिन कल के लिए टाला गया, 14 तारीख के पहले इस पर फैसला भी होगा क्योंकि 14 तारीख बेहद अहम है जब विधानसभा सत्र शुरू होगा। देखिए कल भी है, राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ में ही इस मामले पर सुनवाई होनी है, कल जो है एकल पीठ में इस मामले में सुनवाई होनी है और उसी पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। तो निस्संदेह ये अगर सुबह सुनवाई होती है या कितने बजे होती है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब सारा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है। तो ऐसे में जो इनके अधिवक्ता हैं, बसपा विधायकों के जो अधिवक्ता है जिन्होंने ट्रांसफर पिटीशन दायर किए, भाजपा विधायक मदन दिलावर जी हैं, तो वो कल जो है हाईकोर्ट में भी इस चीज को अंकित कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह जल्दी सुनवाई नहीं होती है तो वो हाईकोर्ट में बता सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से याचिका दायर की जा चुकी है इसलिए फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं की जाए, या कोर्ट जो है कोर्ट को वो सूचना दे सकता है कि उनकी ओर से ट्रांसफर पिटीशन जो है या दायर की जा चुकी है। दूसरी तरफ जो कल एकल पीठ में सुनवाई होनी है राजस्थान हाईकोर्ट में, उसमें देखिए अभी हमने जैसे बताया कि कांग्रेस ने अपना पक्षकार बनने की अर्जी पेश की है, अभी अभी हमारे पास जानकारी आई है कि जो बसपा के 6 विधायक हैं उनकी ओर से भी जवाब पेश कर दिया गया है, जो नोटिस उनको याचिका के जरिए दिया गया था उसका जवाब भी उनकी ओर से हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया है। तो अब ये है कि कल किस तरह से ये लिस्टेड होता है मामला और कितने बजे ये लिस्टेड होता है उस पर काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये सारी बातें। बिल्कुल, और कल कितना अहम रहेगा, कल हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर पक्षकार बनने के लिए तो अर्जी जरूर लगा दी गई है निजाम, लेकिन चलिए सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से ये अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, कल 6 बसपा विधायकों की ट्रांसफर याचिका के साथ ही सुनवाई करेगा, यानी 2 याचिकाएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, विधायक मदन दिलावर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कल दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। बसपा विधायकों की अयोग्यता से जुड़े प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, हालांकि कुछ मिनट ही आज सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने यहाँ अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, हमने हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में पहले ये मामला दाखिल किया था, यह हरीश साल्वे ने कहा, लेकिन वहां पर राहत नहीं मिली थी जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। यह हरीश साल्वे ने बात रखी, विधायक मदन दिलावर की तरफ से पक्ष रख रहे वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कल 6 बसपा विधायकों की ट्रांसफर याचिका के साथ ही सुनवाई की जाएगी। विधायक मदन दिलावर की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा और इस तरह से 2 याचिकाएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी, यानी कानूनी मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि ट्रांसफर पिटीशन पर कल सुनवाई होगी।